परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु वंदे सचम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को हमारी जो श्रृंखला चल रही है प्रेक्षा ध्यान पर आधारित, उस श्रृंखला की आज 10वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारी ट्रेनर मंजू जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले तो वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ मंजू जी का स्वागत कीजिए। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम वेलकम वेलकम। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। इस मंच से जुड़े हुए अनेक साधक साधिकाएं अनेक दिनों से कर रहे हैं प्रेक्षा ध्यान। उसके बारे में बहुत सारी बातें सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। मैं कोई नया नहीं बताने जा रही हूँ, आप सब जानते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ये जीवन है, जीव और अजीव का संयोग, चेतन अचेतन का संयोग है, शरीर और आत्मा का संयोग। शरीर और आत्मा बिल्कुल दो विरोधी तत्व, बिल्कुल अलग अलग है दोनों ही, आपस में कोई समानता नहीं। एक जीव है, एक अजीव है ना। एक दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता है। एक हमारी केवल अनुभव में आता है, एक हमारी पकड़ में भी आता है। तो जहां तक मैं विज्ञान की बात करूं, विज्ञान है विशेष ज्ञान। किसका? पदार्थ, वस्तुएं, चीजें, पदार्थ। ये लोक जो हमें दिखाई दे रहा है, ये दृश्यमान लोक जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्यों है, कैसा है, क्या था, क्या है, क्या हो सकता है, ये सारी जानकारियां हम विज्ञान के द्वारा जानते हैं। अलग अलग शाखाएं हैं विज्ञान की। पदार्थ के बारे में जानते हो तो हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। ये जो पदार्थ हैं, ये किस रूप से, कैसे, क्या काम कर रहे हैं, क्या टेक्निक है। टेक्नोलॉजी के लिए हमें फिजिक्स पढ़नी होती है, कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, है ना। इस शरीर को जानने के लिए बायोलॉजी पढ़ते हैं हम। क्या है, शरीर भी तो पदार्थ ही है। हर वो चीज पदार्थ है जो आप अपनी इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर लेते हो। इंद्रिय और मन, इंद्रिय और मन के द्वारा जिस जिस चीज को आप जान पाते हो, ग्रहण कर पाते हो, वो सारे पदार्थ ही हैं, पुद्गल ही हैं। तो मन भी क्या है? बिल्कुल पुद्गल ही है। विचारों को हम जान रहे हो मन के द्वारा। तो ये जो पदार्थ का जो विशेष ज्ञान है, ये हमें विज्ञान के द्वारा होता है। अब जहां तक ध्यान साधना का सवाल है, हमारे लिए साधन क्या है? हमारा ये शरीर। ये शरीर ही साधन है, और जो कुछ है इस शरीर के भीतर ही है।
हम क्या कहते हैं, शरीर में ही श्वास चल रहा है, शरीर में ही मन है, शरीर में ही आत्मा है, शरीर में ही भाव है। बिल्कुल सही, सब कुछ है, शरीर में ही है। लेकिन जब मैं विज्ञान की बात करती हूँ तो विज्ञान मुझे क्या बता देता है, ये शरीर हाड़ मांस से बना है, कोशिकाओं से बना है, बहुत सारे केमिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारे केमिकल्स से बना है, सारी बातें आती हैं। किस तरह इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, किस तरह साउंड है, ध्वनि को हम पकड़ रहे हैं और कैसे हम बोल रहे हैं, सारी बातें हमें विज्ञान बताते हैं, बिल्कुल बताता है। लेकिन जब ये प्रश्न आ जाता है, ये जो हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे भीतर जो अनुभव है, जो भाव पैदा हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? को भी क्रोध मान माया लोभ है, तो ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो अनुभव करती है? और अनुभव करती है और साथ ही साथ जिसमें भाव पैदा होता है अनुभव के दौरान। ऐसे तो मान लीजिए सब कुछ फीड किया हुआ रहता है, हमारी मशीनों में भी, रोबोट में, मोबाइल में, टाइम से हमारा मोबाइल भी हमें अलार्म सुना देता है, बटन दबाओ तो वो बहुत कुछ बता देता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें फीड किया हुआ है, और फीड करने वाला कौन है? मनुष्य। अपने आप फीड नहीं हुआ है उसमें, मनुष्य ने ये सारी चीजें इजाद की है, बनाई है। लेकिन हमारे भीतर जो भाव पैदा हो रहे हैं, हम जो अनुभव कर रहे हैं, कैसे, कहाँ से? हालांकि नष्ट तो पदार्थ भी होते हैं और मृत्यु हमारे भी होगी, बिल्कुल होगी, है ना, मृत्यु हमारे भी होगी, चीजें भी नष्ट होती हैं, नो डाउट। हम भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट हमें परिवर्तन हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग? अगर शरीर की दृष्टि के से कहूं तो शरीर में अनेक कोशिकाएं गिर रही हैं, नई पैदा हो रही हैं, है ना, ये विज्ञान कहता है, बिल्कुल विज्ञान कहता है। लेकिन भीतर के प्रतिक्षण जो भाव बदल रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या बाहर का कारण है इसका, कि बाहर जैसा वातावरण होता है वैसे हमारे भाव बन जाते हैं? अगर ऐसा होता कि बाहर जो कुछ है उससे अगर भीतर भाव पैदा होते, तो बाहर का अगर वातावरण सबके लिए एक जैसा है तो सबके लिए एक ही जैसे भाव पैदा होने चाहिए ना। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आधे उनके अगेंस्ट है, आधे उनके फेवर में है, क्यों क्यों? सबके लिए अलग अलग क्यों हो? आज कोई भी, मान लीजिए बरसात आती है या गर्मी सर्दी जो कुछ भी है, क्या सबको समान अनुभूति होती है? नहीं। इतनी सारी दुनिया में वस्तुएं देखते हैं, क्या सबको एक ही जैसी चीजें पसंद आती है? क्या सभी को एक ही जैसी चीजें अच्छी लगती है? नहीं। तो क्या कारण है हमारे भीतर भाव पैदा होने का, अच्छा बुरा? हम जो नॉलेज कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, क्या कौन सी ऐसी शक्ति है? आज मोबाइल हमने बनाया है, मोबाइल ने हमको नहीं बनाया, तो कौन सी ऐसी एक विशेष शक्ति है? तो ये सारे जब हम डिस्कस करते हैं, तो केवल विज्ञान उनके जवाब नहीं दे पाता है ना, हमें अध्यात्म का सहारा लेना ही पड़ता है। तो आत्मा का विशेष ज्ञान हो गया अध्यात्म, और पदार्थ का विशेष ज्ञान हो गया विज्ञान। पर हमारा जीवन शरीर और आत्मा का संयोग है, पदार्थ और चेतना का संयोग है, पुद्गल और आत्मा का संयोग है, जीव अजीव का संयोग है। तो हम जब तक इन दोनों पक्षों से नहीं सोचेंगे, विचारेंगे, हम जीवन से जुड़े हुए सत्य को नहीं जान पाएंगे। और जीवन से जुड़ा हुआ कौन सा सत्य हमें जानना है? कौन सा सत्य जानना है? ये जो हम सुख की चाह करते हैं और दुख आ जाता है, क्यों? हर जीव की एक ही आकांक्षा है, मैं सुख पाऊं, सुख पाऊं, सुख पाऊं। मुझे जो सुख मिला है कभी नष्ट नहीं हो, और जो दुख मेरे पास आ गए हैं वो जल्दी मुझसे दूर चले जाए। तब हमें जीवन का विश्लेषण करना होता है। भौतिक सुखों की कितनी ही भरमार लग जाए, भीतर शांति नहीं है, क्यों क्यों? अगर साधनों से सुख होता तो सारे पैसे वाले सुखी होते, पर ऐसा है नहीं। हम अपनी भी अगर स्थिति देखें, हो सकता है पहले हमारे पास इतना धन दौलत नहीं थी, आज ज्यादा हो गई है, तो क्या आपको लग रहा है आप ज्यादा सुखी हो गए हो पहले से? मैंने तो बहुत लोगों को यही कहते हुए सुना है कि पहले का जमाना अच्छा था, शांति थी, इतनी हो हा नहीं थी, इतनी ज्यादा चंचलता नहीं थी लाइफ में। ईच एंड एवरी मोमेंट जीवन बदल रहा है, कहीं ठहर ही नहीं पा रहे हैं। जो सोच आज सही लग रही है, कल वो गलत साबित हो जाती है। जिस चीज की मैंने ख्वाहिश की थी, आज अगर वो मुझे मिल भी गई है, तो कल क्या है? कल उसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि रोज नई चीजें, रोज नई चीजें।
इतनी फास्ट लाइफ जो चल रही है कि हमारे भीतर अशांति पैदा हो गई है। इतनी शांति हम साधनों में ढूंढे, पदार्थ में ढूंढे, नहीं मिल रही है। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत बढ़ गया है, लेकिन सुख क्या है? पीस ऑफ माइंड डाउन होता चला गया। तो परीक्षा ध्यान पद्धति न तो केवल आत्मा परमात्मा की बात करती है, न केवल मोक्ष जाने की बात करती है, और न ही केवल स्वास्थ्य की बात कर रही है। आप ऐसा करिए, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वो एक समग्र जीवन दर्शन है जहां अध्यात्म और विज्ञान का संयोग किया गया है। अध्यात्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया है और विज्ञान को अध्यात्म की पुट दी गई है कि दोनों के संयोग से ही हम अपने जीवन से जुड़े हुए सत्य को जान सकते हैं, और जब हम जानेंगे तभी हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं। जब जानते ही नहीं है तो हम करेंगे कैसे अपने लिए कुछ? तो अब कैसे? प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति हमने जाना, प्रेक्षा ध्यान के इतने अंग हैं, प्रेक्षा ध्यान का आधार जैन दर्शन है, प्रेक्षा ध्यान ये वो, हमने बहुत सारी चीजें जानी। अब शरीर, अगर मैं शरीर की बात करूं तो प्रेक्षा ध्यान में हमें शरीर विज्ञान पूरा बताया जाता है, ये शरीर क्यों है, क्या है, कैसा। अब इस शरीर के साथ अध्यात्म को कैसे संयोग किया गया? जैसा कि मैंने कहा, भाव। भाव वो स्तर है हमारे जीवन का जो हमें पदार्थ से डिफ्रेंसिएट करता है, जो हमें क्या करता है कि मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इससे भी कुछ और है मेरे पास, कि मेरे भीतर सुख दुख की अनुभूति है, मेरे भीतर सोचने की शक्ति है। कहाँ से आई मेरे पास ये सारी चीजें? सही गलत का मेरे में विवेक है, करणीय अकरणीय का विवेक है, कहाँ से आया? तो ये जो चेतना है, तो प्रेक्षा ध्यान का मूल लक्ष्य है कैसे अध्यात्म और विज्ञान को संयुक्त करके एक जीवन का सही दर्शन पैदा किया जाए। तो ये जो भाव का जो स्तर है, ये ऐसा स्तर है जहां प्रेक्षा ध्यान ने हमें बताया कि किस प्रकार हमारा शरीर और आत्मा दोनों का संयोग, कैसे हमारे कर्म संस्कार में जो कुछ भी नाम है उन्हीं का परिणाम हमारा ये जीवन। कर्म निसंदेह पुद्गल है, बिल्कुल पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, हमारे जो तेजस शरीर पुद्गल है, विद्युत जो हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी है वो पुद्गल है, ये हार्ड मास है वो पुद्गल है, पदार्थ है, बिल्कुल सारी चीजें पदार्थ है। लेकिन ये जो कर्म, कर्म के परमाणु तो आकाश में भी फैले हुए हैं, क्या वो हमें कुछ प्रभाव दिखा रहे हैं? नहीं दिखा। आकाश में इतनी सारी चीजें फैली है, क्या हमें प्रभावित कर रही हैं? सब कर रही हैं। कब? जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं। और हमारे शरीर का कनेक्शन बाहर की इन्वायरमेंट से कब हो रहा है? जब मेरे शरीर के भीतर आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं करता है। अगर आत्मा, अगर डेड बॉडी है, कितना ही आप चाहो कि वो प्रिजर्व हो जाए, वो नष्ट नहीं हो, क्या वो रुकेगी? नहीं। लेकिन जब तक इसमें आत्मा है, हम आत्मा है तो अपनी स्वेच्छा से कर्म उदय में आ रहे हैं, उसका भी भोग भोग रहे हैं, प्लस हम में अगर जागरूकता है तो हम अपनी स्वेच्छा से भी उसको बदल पा रहे हैं। आपके भीतर क्रोध पैदा हुआ, आप चाहो या आप चाहो तो क्रोध करो, चाहो तो नहीं करो, ये किसके पास है चॉइस? आत्मा के पास, शरीर के पास नहीं। जो इच्छा शक्ति है वो आत्मा का लक्षण है, जो भाव अनुभव हो रहे हैं आत्मा का लक्षण है। अब कैसे भाव इस शरीर से संबंध रखते हैं, कैसे भाव पैदा हो रहे हैं? तो इस जब हम इस चैन को जान लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे से सही। प्रेक्षा ध्यान जिसका आधार जैन दर्शन है, इसकी मान्यता है आत्मा और शरीर अनंत काल से संयुक्त है। ठीक है, कर्म और आत्मा, कर्म और आत्मा अनंत काल से, अनादि काल से स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का संयोग है। पर जिस प्रकार के कर्म है उसी के अकॉर्डिंग ये आत्मा शरीर को धारण करती है। शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर को धारण कर रही है जिस प्रकार के उसके कर्म। अब मान लीजिए मैं मनुष्य हूं, हम मनुष्य हैं सभी, हमने मनुष्य शरीर धारण किया, जितना हमारा आयुष्य कर्म है उतने हम उतना ही हमें जीवन मिलेगा।
हो सकता है अपने किसी कारण से हम इस आयुष्य को कम कर लें, लेकिन बढ़ाने की क्षमता हमारी नहीं है। तो अब सोचिए, कर्म तो एक नहीं है, अनेक प्रकार के कर्म। ये सुख दुख की अनुभूति है, हमें जो कुछ मिल रहा है वो सब हमारे कर्मों की वजह से। जैसा हमें ज्ञान मिला, जैसा हमें दर्शन मिला, जैसा हमें चरित्र मिला, जैसी सोच विचार मिले, जैसे बाहर की चीजें मिली, दूसरे लोगों का सहयोग मिला, अपने शरीर की स्थिति मिली, सब कर्मों के फल है ना। तो मोहनीय कर्म जो है उसके विपाक से, मैं एक कर्म लेके आपको इसका दृष्टांत देना चाहूंगी। जब मोहनीय कर्म का विपाक होता है, उदय होता है, हमारे भीतर कषाय पैदा होते हैं, क्रोध मान माया दो, है ना। ये कषाय जब कार्मण जब चेतना की रश्मि कार्मण शरीर को पार करके निकलती है, वो कषायों से रंजित हो जाती है, उसके साथ कर्म शरीर के पुद्गल परमाणु जुड़ जाते हैं, तब उसमें अध्यवसाय पैदा होता है, यानी उसमें वो भाव पैदा हो जाते हैं, सुख दुख क्रोध जो कुछ भी भाव है, इमोशंस है। उस स्तर तक हमें अनुभव नहीं होता है कि हमारे भीतर सुख दुख कुछ है क्या, वो केवल आत्मा ही जानती है। लेकिन जब वो चेतना की रश्मि जो मैली हो चुकी है कर्मों से, वो जब आगे बढ़ के हमारे इलेक्ट्रिक बॉडी तेजस शरीर से जब मिल जाती है, तब वो स्थूल रूप से हो जाती है और लेश्या बनाती है। जी हाँ, लेश्या। और यही लेश्या हमारे इस औदारिक स्थूल शरीर में कर्मों का झरना है। ये लेश्या हमारे भीतर भाव पैदा करती है, और साथ ही साथ इस लेश्या का रिफ्लेक्शन हमारे चारों ओर आभामंडल बनता है। जी हाँ, तो चेतना की रश्मि मिली तभी अध्यवसाय बने कर्मों का प्रभाव, अध्यवसाय बना, आगे बढ़ के लेश्या बना और इस शरीर में भाव के रूप में प्रकट। जैसे ही वो भाव बने, हमें अनुभव हो गया, ठीक है। अब भाव, भाव तक की बात आत्मा की थी, भाव अनुभव करना आत्मा का था। लेकिन जो ये लेशा, आपने सुना होगा अगर जैन दर्शन के जानते हैं आप, कि हमारे पास 6 प्रकार के लेशाएं हैं, कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पद्म और शुक्ल। इनके रंग है काला, नीला, ग्रे, लाल, पीला, सफेद। तो जैसे ही रंग की बात आई, पदार्थ की बात आई, है ना, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है, ना रंग है, ना रस है, ना वर्ण है, ना रूप है। लेकिन जैसे ही रंगों की बात आ जाती है, गंध की आती है, स्पर्श की आती है, वो पदार्थ है। यानी जो द्रव्य लेशा है, जिस आत्मा का परिणाम जो भाव लेशा थी या जो भाव थे, उसके अनुरूप हमारे शरीर में लेशा बनी। जी हाँ, हमारे तेजस शरीर ने लेशा बनाई। अब पदार्थ की बात आ गई, क्योंकि अकेली आत्मा अपने आप को नहीं दिखा सकती है, बिना शरीर के आत्मा के कर्मों के परिणाम भी प्रकट नहीं हो सकते। आत्मा अरूपी है, अकेली आत्मा में ज्ञान शक्ति आनंद सब है, लेकिन वो प्रकट कैसे करेगी? प्रकट करने के लिए उसे शरीर चाहिए। तो जब ये भाव आए, भाव को व्यक्त कहाँ करना है? ये शरीर करता है। और जैसे ही भाव आते हैं, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां और हमारे ब्रेन में जो छोटा सा पार्ट है हाइपोथैलेमस, जब भीतर भाव पैदा हुए, सबसे पहले किसने कैच किया? हमारे हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में, जहां हमारा शांति केंद्र, अगर मैं यहाँ से लगभग आप समझिए, जो हमारा बीच का जो ये मस्तिष्क, अगर मैं कहूँ ललाट का जो भाग है, आप यहाँ से भीतर की तरफ जाते हैं, लगभग बीचों बीच जहाँ पिट्यूटरी है, पीनियल और हाइपोथैलेमस, लगभग इतनी सी एरिया में, ये एरिया सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, जिसे तीसरा नेत्र कह दो आप, कुछ भी कह दो, आज्ञा चक्र कह दो, यहाँ सबसे पहले भाव हमारे शरीर में कैच किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस। यानी अगर इन भावों को प्रकट होना है शरीर में, तो पदार्थ चाहिए, शरीर चाहिए, आत्मा अपने आप को प्रकट नहीं कर सकती है बिना। और ये विज्ञान बताता है कि हमारा हाइपोथैलेमस हमारे भावों को पकड़ता है, लेकिन विज्ञान ये नहीं बताता है कि जो भाव पैदा हो रहे हैं वो कर्मों का विपाक है, कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान ये शरीर की बात कहता है कि भाव सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस में प्रकट होते हैं, और विज्ञान के अनुसार भाव कोई भीतर से नहीं आते, उनके अनुसार भाव बाहर की परिस्थितियां होती है, स्टिमुलेशन मिलता है और भाव पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा होता तो सब में समान होता ना, हम तर्क करते हैं तब हमें ये समझ में आता है, नहीं, बाहर की परिस्थितियां नहीं भाव पैदा करती है, कोई ना कोई और कारण है उस, वहां हमें अध्यात्म की ओर मुड़ना होता है। तो अब हाइपोथैलेमस में भाव प्रकट हुए, हाइपोथैलेमस ने
हमारे इंटरनल सिस्टम को भी बोला कि भाई तुम्हें क्रोध पैदा करना है तो हमारे जितने भी जैविक क्रिया है उनमें भी चेंज होता है। प्लस उसने हमारे हॉर्मोन्स पिट्यूटरी को बोला कि तुम ये हॉर्मोन्स निकालो। पिट्यूटरी फिर अपने एड्रिनल ग्लैंड को कहती है तुम हॉर्मोन छोड़ो क्योंकि क्रोध करना है, शरीर को शक्ति चाहिए, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, मोर ऑक्सीजन चाहिए, ये सारी तैयारियां शुरू हो जाती है शरीर के द्वारा। फिर ये शरीर क्रोध प्रकट करता है। यानी विज्ञान की बात हमने कैसे जानी, हॉर्मोन्स ब्रेन ये सारे हमारे शरीर को चलाते हैं, नियंत्रण करते हैं, शरीर को संचालित करते हैं, लेकिन अल्टीमेट संचालक कौन है, हमारे अपने कर्म। और कर्मों का प्रभाव क्यों, क्योंकि आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, कर्म के परमाणु तो बाहर भी बहुत फैले हुए हैं, क्या वो हमें प्रभावित करते हैं, वो हमारे भीतर क्रोध नहीं डालते, क्रोध हमारे अपने आत्मा से चिपके हुए कर्मों के कारण है। और ये कर्म हम अपनी ही मन वचन काय की प्रवृत्ति से क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और जब कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे मन से कर रहे हैं, वचन से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, अगर उसके साथ आपके भाव जुड़े हुए हैं, शुभ भाव से कर रहे हो शुभ कर्म आ रहे हैं, अशुभ भाव से कर रहे हो अशुभ कर्म आ रहे हैं, और जब तक आप कर्म का संचय कर रहे हो उस जीवन मरण के चक्र में हो। इसलिए प्रेक्षा ध्यान की सेफ पद्धति, बिल्कुल तटस्थ होकर रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, है ना। आप प्रवृत्ति कर रहे हो क्योंकि आत्महत्या तो महापाप है, प्रवृत्ति कर रहे हैं, कर्म आएंगे, लेकिन अगर आप ज्ञाता दृष्टा भाव में हो, राग द्वेष नहीं है, कोई कर्म आपकी आत्मा से चिपकेंगे नहीं। और जब जब ज्ञाता दृष्टा भाव में चिपके हुए कर्म है ना, वो भी ज्यादा ज्यादा मात्रा में हमारी आत्मा को छोड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेट हमें क्या करना है, राग द्वेष मुक्त होना है। जैन धर्म की सारे जप तप का एक ही लक्ष्य है, राग द्वेष मुक्त होना। और प्रेक्षा ध्यान की पद्धति का भी एकमात्र लक्ष्य है चित्त की शुद्धि, भावों की शुद्धि, यानी राग द्वेष मुक्त रहना। गीता में भी क्या कहा है, अनासक्त भाव से कर्म करो, यानी कोई राग द्वेष नहीं, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो, अनासक्त भाव से कर्म करो। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन राग द्वेष नहीं। तो आज हमने जाना किस तरह अध्यात्म और विज्ञान के संयोग से प्रेक्षा ध्यान पद्धति का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने स्वयं पर प्रयोग किए, स्वयं अनुभव में आए, और उस अनुभव को, उस प्रेक्षा ध्यान पद्धति को हमारे तक पूरी व्यवस्थित रूप में पहुंचाया। जो व्यक्ति जहां है, जिस स्थिति में है, वहां से वो प्रेक्षा ध्यान प्रारंभ कर सकता है। प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं, जो प्रयोग आपको अच्छा लगे, जिस प्रयोग में आप कंफर्टेबल हो, जिस प्रयोग में आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रह पाते हो, एकाग्र हो पाते हो, उसी प्रयोग का आप अभ्यास कर सकते हो। कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा, ये दो बेसिक प्रयोग, स्टार्टिंग में यही दो प्रयोग हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारे शरीर को साधना के योग्य बनाते हैं। क्योंकि जब तक शरीर और श्वास पर हमारा कंट्रोल नहीं, हम ध्यान की गहरे ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। सही पूछो तो ध्यान के पात्र ही नहीं बन सकते। ध्यान के लिए शरीर स्थिर चाहिए, शिथिल चाहिए, मन की चंचलता कम चाहिए, भावों पर नियंत्रण चाहिए, भावों की पवित्रता चाहिए। कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा दो ऐसे प्रयोग हैं, अगर इन दो को ही आप साध लेते हो तो बाकी प्रयोग ऑटोमेटिक ही हो गए हैं, उसमें जब भी करने बैठोगे हो ही जाएंगे। तो आइए आज हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। चलिए, कायोत्सर्ग तीन प्रकार से किया जा सकता है, बैठकर, खड़े होकर और लेटकर। जिसको जैसी सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। जो खड़े रह के करें वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो बैठकर करना चाहे अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर ले, और जो लेटकर करना चाहे, मैं चाहूंगी वो पीठ के बल लेट जाए। जो खड़े हैं वो खड़े खड़े शरीर को तनाव दें,
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचे, जो बैठे हैं वो बैठ के करें, जो लेटे हैं वो लेट कर अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर की तरफ खींचे, पैरों को नीचे की तरफ खींचे, खींचे अपने पूरे शरीर को खिंचाव दें, पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव करें, खींचे खींचे, श्वास छोड़ते हुए पुनः रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएं, खिंचाव दें अपने शरीर को, हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर सिर की ओर खींचे खींचे, राइट लेफ्ट बेंड करें थोड़ा, यस बेंड करें, इस तरह बेंड करें शरीर को थोड़ा, खींचे खींचे, जितना खिंचाव दे सकते हैं दे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। सभी अपने आसन और मुद्रा को ग्रहण करें, जो खड़े हैं वो संपाद आसन में, दोनों हाथ सातल से सटे हुए, पैर आपस में सटे हुए, जो बैठे हैं वो सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी आसन का चुनाव करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा में, जो लेटे हुए हैं वो अपने दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फुट का फासला रखें, दोनों हाथों को शरीर के समानांतर फैलाएं, लगभग आधा फिट फुट की दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, सभी आंखों को बिना दबाव दिए हुए कोमलता से बंद करें। शरीर को स्थिर रखें, प्रतिमा की भांति अडोल, पूरी स्थिरता को साधे, पूर्ण स्थिरता, अपने प्रति जागरूक रहें, पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें, पूरे शरीर में एक एक अवयव भारीपन का अनुभव करें, भारी शीशे की भांति भारी भारी, बिल्कुल अनुभव करें पत्थर की मूर्ति की तरह हो गए हैं, भारी भारी, कोई हलन चलन नहीं, केवल भारीपन का अनुभव, भारी भारी भारी, अनुभव करें शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है, हल्का हल्का अपनी संकल्प शक्ति से ही शरीर में हल्केपन का अनुभव करें, हल्का रूई की भांति हल्का हल्का, हल्का श्वास मंद और शांत, श्वास की गति मंद, बिल्कुल मंद हो गई, शांत हो गई, चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें, सुझाव दें
अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जा पूरी जागरूकता से अंगूठे के आगे पीछे नाखून एक एक अवयव शिथिलता का सुझाव। रिलैक्स रिलैक्स अंगूठा शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, अंगूठा शिथिल हो गया है, हो गया। देखें, पूरी जागरूकता से अंगूठे को देखें, अंगूठे में कोई हलनचलन नहीं, हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का। पूरी जागरूकता से अपने अंगूठे को देखें, पूरी स्थिरता, हल्का पर। इसी प्रकार दाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटिका, क्रमशः प्रत्येक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। केवल अपने एक एक अंग को देखते चले जाए। देखें, कुछ क्षण रुकें, शिथिलता का अनुभव करें। शिथिल 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 केवल देखिए, केवल एक ही कवि देखते जाइए, शब्दों की जरूरत नहीं है। देखें, रुकें और अनुभव करें। शिथिल हो रहा है। पूरा दायां पैर रिलैक्स। इसी प्रकार बाएं पैर को अंगूठे से लेकर कटिका तक शिथिल करें, शिथिल करें, अपनी संकल्प शक्ति से शिथिल 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 रिलैक्स रिलैक्स। पैर की पकड़ छूटती जा रही है। हल्केपन का अनुभव अनुभव करें। दोनों पैर रिलैक्स, न कोई हलन चलन है, नहीं कोई अकड़न जकड़न है। हल्का पन का अनुभव, कहीं कोई पकड़ न रही, बिल्कुल ढीला छोड़ दे दोनों। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ऊपर पेड़ू का भाग, भीतर के सभी अंग, किडनी, बड़ियां, छोटियां, आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, लीवर, पेट के सभी अवयव, केवल भीतर अपने चित्त को केंद्रित करें और सुझाव दें। रिलैक्स रिलैक्स। एक एक अवयव शिथिल होता जा रहा है,
शिथिल होता जा रहा, शिथिल होता जा रहा। सभी अवयवों की गति मंद हो गई, मंद हो गई। और ऊपर बढ़ने, अनुपात, छाती का पूरा भाग, पसलियां, लंग्स, हार्ट, केवल चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव अनुभव करें। जैसे जैसे चित्त एक एक अवयव पर जा रहा है, वह अनुभव करें। श्वास की गति और मंद हो गई, और मंद हो गई। पेट के भीतर की सभी क्रियाएं शिथिल हो गई। श्वास सूक्ष्म और सूक्ष्म हो गया। श्वास के प्रकंपन भी नाभि पर अनुभव नहीं हो रहे, केवल भीतर ही भीतर सूक्ष्म श्वास की प्रक्रिया चल रही। बिल्कुल ढीला छोड़ना, पीठ का पूरा भाग, कमर, रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल रिलैक्स। पीठ की सारी मांसपेशियां, कहीं कोई खिंचाव न रहे, बिल्कुल ढीला छोड़, ढीला छोड़, ढीला छोड़। गर्दन, कंधे, रिलैक्स। दाया हाथ, अंगुलियां, हथेली, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा, केवल देखते जाएं, रिलैक्स करते चले जाएं, रिलैक्स। इसी प्रकार बायां हाथ, जो खड़े हैं या बैठे हैं, अपने कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। कंधों के ढीले होते ही पूरा अस्थि तंत्र, सारी हड्डियां, मांसपेशी, ढीला है। पैर से लेकर कंधे तक पूरा शरीर बिल्कुल ढीला है। गर्दन की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ो, कहीं कोई खिंचाव नहीं रही। कंठ, भीतर स्वर यंत्र, बिल्कुल निशब्द हो जाए। स्वर यंत्र मौन, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं। चेहरे का पूरा भाव, ठुड्डी, होठ, दांत, जीभ, तालू, मसूड़े, चेहरे की समस्त भाव, दोनों कपोल, कान, नाक, आंखें, ललाट, केवल चित्त को ले जाएं और रिलैक्स होने का सुझाव दें। शिथिल चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सारे तनाव विसर्जित, चेहरे की सारी मांसपेशियां रिलैक्स, रिलैक्स। आंखों पे कोई दबाव नहीं रही, बिल्कुल कोमलता से बंद। मस्तिष्क अनुभव करें, मस्तिष्क में के भीतर सारे प्रकंपन शांत, कोई प्रकंपन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, पूरा शरीर निश्चेष्ट पड़ा है,
पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को देखिए, कोई हलन चलन नहीं है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। शरीर के भीतर की समस्त जैविक क्रियाएं भी शांत हैं। श्वास अति सूक्ष्म हो गया है। निर्विकार निर्विचार स्थिति का अनुभव करें। निर्विकार निर्विचार कोई विकार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, अपने प्रति पूर्ण जागरूक। चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। चमकता हुआ श्वेत आभा मंडल, निर्विचार निर्विकार स्थिति में आभा मंडल चमकता हुआ श्वेत अपने भीतर पवित्रता का आनंद का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। पूर्ण जागरूकता बनी रहे, आनंद का, शांति का, पवित्रता का अनुभव करें। पूरी जागरूकता बनी रहे, अपने भीतर के आनंद का अनुभव करें। आनंदों में वरसती वरसती, नो में दुखम नो में दुखम, भीतर आनंद का स्रोत बह रहा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अपने प्रति पूर्ण जागरूक, ये आनंद कौन अनुभव कर रहा, ये शांति कौन अनुभव कर रहा है। शरीर तो मेरा निश्चेष्ट पड़ा, अपने शरीर को अपने से भिन्न देखे, शरीर को अपने सामने देखे, ये मेरा शरीर पड़ा हुआ है, ये आनंद कौन अनुभव कर, ये शांति कौन अनुभव कर, ये कौन जान रहा है कि शरीर सामने पड़ा हो, कौन
अपने शरीर को अपने समक्ष देखें, अपने से भिन्न, अपने से पृथक। ये शरीर एक दृश्य है जिसे मैं देख रहा हूं। शरीर के भीतर चलने वाली समस्त क्रियाएं, ये भी शरीर ही है, इन्हें भी मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। शरीर में चलने वाला श्वास, मस्तिष्क में चलने वाले विचार, ये मैं देख जान रहा हूं। मैं न शरीर हूं न श्वास हूं, न मन हूं न विचार हूं, मैं हूं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चेतना आत्मा। मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, शरीर से अपने अस्तित्व का, अपनी आत्मा की पृथकता का अनुभव करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। सिर से लेकर पैर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। शरीर के कण कण में चैतन्य जागृत हो गया है। शरीर के कण कण में प्रकंपनों का अनुभव करें, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें कण कण में चैतन्य जागृत हो गया। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। जो शरीर शिथिल पड़ा था, उस शरीर के प्रत्येक अवयव में आप प्राण का अनुभव करें, सक्रियता का अनुभव करें। 3 लंबे श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करते हुए वर्तमान में लौट आए। जो लेटे हुए हैं वो बाई करवट लेकर बैठने की मुद्रा में आ जाएं, जो खड़े हैं वो भी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी अपने दोनों हाथ आनंद केंद्र पर हृदय के पास जोड़ें। मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे तरणं पवज्जामि, साहू तरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। आंखें बंद ही रहेंगी, 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, वंदे सच्चं। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोले। कुछ देर मौन रहें, शांत रहें। ओम अरहम।
ओम अरहम, कैसी अनुभूति हो रही है? आप लोग अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। अशोक जी ने हैंडराइज किया है। अशोक जी, एक आचार्य महाप्रज्ञ जी के दो पद गा लेता हूँ स्वरूप चिंतन का। आए आए हम आए अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जा। मैं समझ रहा था तन को, यह मेरा अपना घर है। समझ रहा था मन को, यह मेरा ही अनुचर है। टूट गया भ्रम मेरा, जीवन में ज्योति जगाए। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। यह ओम है पावन नौका, इससे भव जल तरना है। यह नाविक मेरी आत्मा, इससे उद्दम करना है। कि फूल हवा को अब हम अपने अनुकूल बनाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जा, हम सदा सुखी बन जा। ओम। ओम चंदू जी, चंदू जी जय जिनेंद्र, अनु भाई साहब, मंजू जी, जय जिनेंद्र। अभी मंजू जी ने जो कार्य करा है बहुत अच्छा करा है, मतलब शरीर में बहुत हल्कापन का अनुभव। उनकी जो बोलने की शैली बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा लगा कार्य करके। ओम आराम, बहुत अच्छा लगा, बहुत ओम उनकी आराम। मतलब उनकी जो कराने की जो स्टाइल है मंजू जी की, और आप लोगों की सुबह भी जो किया ध्यान, बहुत अच्छा था। मीन्स मन एकदम शांत हो जाता है, बहुत मन में शांति की अनुभूति होती है, पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। चलिए, मधु जी, मधु जी बोलिए। धन्यवाद सर, आपका जो हमें अच्छा देते हैं, और मंजू जी आपका थ्योरी समझाने का मेथड बहुत अच्छा है। आप जो थ्योरी समझाती हैं वो बिल्कुल भीतर तक समझ में आती, इजी वे में। आज तक मैं इतना तो पढ़ रही थी, पर जो आप बताते हो जीव अजीव और वो सब, वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है और वहां तक हम पहुंच पाते हैं। आज मेरा कायोत्सव भी मैं काफी दिन से अभी खड़े होके ही कर रही हूँ। बड़ा अच्छा सजता है, आपकी वॉइस बहुत प्रभावशाली। ओम अरहम। ओम प्रदीप जैन, बहुत बहुत अच्छा लगा भैया, कायोत्सर्ग और जैसा शवासन दोनों इसमें होने के बाद। लेकिन एक बात समझ में नहीं, जैसा कायोत्सर्ग जो करना है तो नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम से करना है क्या, ओम अरहम नमः से करना है, जैसा जो रिलैक्सेबल कौन सा रहेगा? अच्छा, कायोत्सर्ग में समझी नहीं, कायोत्सर्ग में तो मंत्र बोल ही नहीं रहे हैं, कायोत्सर्ग नहीं में तो हमें खाली कायोत्सर्ग, अपने अभी यस अभी सर, अपने कायोत्सर्ग में कायोत्सर्ग के लिए मंत्रोच्चारण जैसा, नहीं होता है, शिथिलीकरण ऑफ शरीर का शिथिलीकरण किया जाता है, उसमें मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है। कायोत्सर्ग में मंत्र ओके ओके परीक्षा प्रयोग जो है वो अलग प्रयोग है, और कायोत्सर्ग में आने के बाद हम मंत्रों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन जो आज जो कायोत्सर्ग रहा है ये पूरा शरीर की शिथिलीकरण का और भेद विज्ञान, आखिरी बिल्कुल में हमें शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति होने लगती है,
एससी एमएसटी हमें होती है, तो मंत्रों का इसमें प्रयोग नहीं होता है, इस बात का ओके ध्यान रखेंगे। ओके ओके धन्यवाद जय जिंदर। ओके अच्छा लगा। ओम प्रकाश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ यस सर, ओम आराम, ओम आराम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे को जोड़ा इसमें। और मंजू जी का बहुत, इनका जो बोलने का जो तरीका है, बोलने का, समझाने का है, दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आपने ध्याता और ध्येय का बोला है, ध्याता और ध्येय, यस दैट इज द ध्याता और ध्येय, इसको थोड़ा एक बार और थोड़ा बताएंगे, थोड़ा मैं कई बार समझने की कोशिश करता हूँ, पर आई एम नॉट एबल टू ग्रेस्प। देखिए प्रेक्षा, हम कहते हैं कि हम शरीर और आत्मा के संयोग से हैं, तो शरीर से हम ध्यान कर रहे हैं, है ना? शरीर से हम ध्यान कर रहे हैं, और हमें पाना किसको है? आत्मा को। वो भी कहाँ है? वो भी हमारे भीतर ही है। शरीर साधन है, और वो भी इसीलिए चल रहा है क्योंकि आत्मा है। तो प्रेक्षा ध्यान का जो मूल कॉन्सेप्ट है ना, आत्मा से आत्मा को देखना, स्वयं स्वयं को देखना। तो स्वयं यानी मैं अपने शरीर के द्वारा, साधन मेरे पास शरीर ही है, और इसमें जो कॉन्शियसनेस, जो जानने वाला तत्व है, वो भी आत्मा है ना? तो ध्याता और ध्येय, जब तक अज्ञान है, दोनों भिन्न है ना? ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान कर रहे हैं, है दोनों एक ही, अलग नहीं है। लेकिन इन दोनों, ये दोनों जिस दिन एक हो जाएंगे, यानी जब मैं ये जान लूंगी कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, उस दिन ध्याता और ध्येय एक हो जाएगा। अभी तक जब तक अज्ञान है, जब तक मैं शरीर को अलग मान रही हूँ आत्मा से, तब तक मेरा ध्यान अलग है। लेकिन जिस दिन समाधि मुझे मिल जाएगी, मैं जान लूंगी कि मैं आत्मा ही हूँ, शरीर हूँ ही नहीं, यानी ध्याता और ध्येय का संयोग हो जाएगा। तो ध्याता को शरीर बोलेंगे और देह को हम ध्येय हमारी आत्मा, यस। अभी ध्यान करने वाला ये शरीर है, ठीक है ना? लेकिन ये थैंक। शरीर कब ध्यान कर रहा है? जब तक इसमें आत्मा है। मृत शरीर तो ध्यान नहीं करेगा ना। थैंक। समय संपन्न हो रहा है हमारा। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्य, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, शक्तिमय हूँ, मेरे शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत चैतन्य, आनंद का, अनंत आनंद का, शक्ति का सागर इसका लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही साक्षात मेरे जीवन का मेरे परम जीवन लक्ष्य है। हमारा का आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत सर, बहुत आभार। आपका भी अशोक जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, फिटनेस एक का डोज, घंटा रोज, फिटनेस का डोज, एक घंटा एक रोज, घंटा डोज। उमर हम।